कृष्ण, राजनीति वाला विषय अधूरा रह जाएगा, आप समझ लीजिए कि ब्रज जब मथुरा में पहुंचे राजनीति कैसे होती है। ए ग्रेट वाले वोट नहीं करते, ए ग्रेट की पब्लिक वोट नहीं करती क्योंकि उनका वट इतना होता है, काम हर सरकार करती है। बी वाले परिवार चलवाते, आधा आधा वोट करते, सरकार बदलती सी और डी। कन्हैया जी को इस बात का ध्यान है। ओ भैया शांति रखो जरा। कन्हैया जी मथुरा में पहुंचे हैं, कहते भाई, बलराम से कहते भाई हमारे कपड़े तो पुराने हैं, राजसी ठाट है, गवालों के कपड़े में जाए तो कैसा लगे। बलराम ने कहा भाई उधार ले लेते हैं किसी से, धोबी वस्त्र धो रहा है उससे रिश्तेदारी बना ली मामा। बोले भाई वस्त्र राजा के दरबार में जा रहे हैं तो राजे जैसे ही रहेंगे, तो कंस के ही वस्त्र मांग लिए, देने को इनकार किया, एक ही मुष्टिका से प्रहार सिर पे किया तो धरती में समाहित हो गया। क्योंकि आज की पॉलिटिक्स पार्टियों की बात करें तो पता है कितनी देर का सुख है। एक सभा में एक राजा के यहाँ हमारे जैसे ये सूरदास जी बड़े प्यारे बंसी बजाते ऐसे गवैये थे, गए वो राजा ने बोला भाई आधा राजपाट तेरा। सूरदास बिचारे आनंद में हो गया है, अब क्या करना, राजा ने आधा राजपाट। ए भैया शांत करो ने, एवी रीते नॉलेज शांत बे हो ना तुम्हें यार, ऑर्केस्ट्रा ने प्रोग्राम से केम मगज मारी करता तू। તમારે જે કઈ કરવી ને તે ઓલી બાજુ જઈને કરો, અહીંયા મંચ ઉપર નથી। ક્યા બોલા ઉસને, આધા રાજપાટ, ધ્યાન દેના આજ કી પોલિટિક્સ પાર્ટીઓ કી નીતિ। એક સાલ બાદ સુરદાસજી ફિર પહોંચે કાર્યક્રમ, બોલે મહારાજ પહેચાન લિયા। બોલે હા પ્રભુજી પહેચાન લિયા। બોલે તો આપકો શબ્દ ભી યાદ હોગા। બોલે કૌન સા શબ્દ। बोले साहब आपने कहा था आधा राजपाट दे देंगे। बोले भाई बोला था लेकिन लेन देन की बात नहीं थी वो। फिर बोले तेरे बांसुरी बजाने से मेरे कान को सुख मिला और मेरी घोषणा से तुझे कान का सुख मिल गया। ये कान के सुख की बात थी, कर्ण सुख की बात थी, लेन देन कहाँ थी। ऐसी आज की राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ कर्ण सुख देते हैं, प्रैक्टिकल में आत्महत्या ही करेंगे किसान, उनके लिए टाइम नहीं। कन्हैया जी ने सबसे पहले यानी धोबी मामा को पकड़ा तो डी ग्रेट आ गया। अभी आदिशक्ति जिसके साथ रहे, कुब्जा आ रही है, कुब्जा चंदन लेकर सिंगार करके जा रही है, महाराज कंस का रोक लिया, बोला मुझे दे दो। तो आदमी कहता आप दल बदलने जाते हैं तो नेगोशिएशन होता है ना। कन्हैया जी ने कहा यह चंदन तिलक हमें लगा दे, हम भी राजा जैसा दिखेंगे, हैं तो भांजे, इस गांव के ब्राह्मण हुए, पूजनीय हुए। बोले भाई वो बात ठीक है, मुझे मिलेगा क्या। बोले कंस क्या देता है। बोले रहने का खाना पीना, राज सरकार, जहां बसे सोई सुंदर देशु, जो प्रतिपाल है वही ना देशु। बोले कन तुझे हम एक काम कर सकते हैं, स्त्री है ना, स्त्री को अगर मुंह पे काला धब्बा हो और उसे ही कह दो कि तू इससे सुंदर हो जाएगी तो 8 दिन नहीं 11 दिन अनाज नहीं खाए, सुंदरता इतनी प्यारी है। अब कन्हैया जी ने उसकी कमजोर नस ढूंढ ली। बोले कुब्जा तू ऐसी कुबड़िया चलती है ना, मैं 5 मिनट में तुझे सुंदरी बना दूंगा। बोले भैया तू कुछ भी कर ले, चाहे मथुरा छोड़ना पड़े पर सुंदरी बना दे। कन्हैया जी ने उसको एक कमर पे लात रखा, प्रभु की कृपा बरसी और वो सुंदरी बन गई। कन्हैया जी की यूनिटी कितनी तेज हो गई बताओ, दोनों आगे ना सीडेट, राजनीति कन्हैया से ज्यादा जानते हैं आप। अब कंस के द्वार पर गए हैं, कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है, उससे युद्ध किया। देखते देखते कन्हैया ने कंस का वध किया, उग्रसेन को बाहर निकाला, देवकी को बाहर निकाला और उसके बाद कन्हैया जी ब्रज की लीलाओं को समाप्त करके गुजरात की ओर चले।
कन्हैया जी आ गए द्वारिका। हमको ऐसा लग रहा है मूल द्वारका, भेंट द्वारका और द्वारकाधीश, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे ही है क्या? तीन है। मूल द्वारका में आए हैं, कन्हैया द्वारकाधीश में राज कर रहे हैं। तो भाई मेरे, कुछ मोहब्बत दूर से होती है, किसी के साथ जिंदगी भर रहने से मोहब्बत नहीं हो पाती, अपना नहीं बनाया जा सकता। किसी को एक पल देखने के बाद अपना बना लिया जाता है, और किसी के गुण वक्तव्य को सुन के अपना बना लिया जाता है कि काश वो सिक्का मेरा होता। कोई पढ़ लेता है कोरे कागज पे जिंदगी की दास्तां, कोई पूरी साथ रह करके भी जिंदगी का एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाता। किसी की सुन करके लोग फैन हो जाते हैं ना। अभी हम जैसे आए आपके गांव में, तो वो गुण का फैन होता है। हम एक घटना बताएंगे आपको। 6 अप्रैल को माता जी का मेरा स्वर्गवास हुआ। अयोध्या में हम हनुमान गढ़ी पे दर्शन करने गए। हमारे साथ IAS ऑफिसर्स और काफी लोग थे। सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, गुरुजी नमोनारायण। अरे आप वही है ना जो टीवी पे आते हैं? मतलब 58 सीढ़ियां चढ़ने में 120 लोगों से तो ये नमोनारायण हो गई। तो जहां एक तरफ वो था कि माता जी के, वहीं आनंद भी आने लगा कि मेरी माँ ने मुझमें इतना होज दिया कि जहां भी जाए हमसे पहले लोगों को पता लग जाता ये कौन है। कि सूरत से कीरत बनी जो बिना पंख उड़ जाए। चेहरा तो आपके पास आकर कोई देखेगा, लेकिन कीर्ति तो पहले पहुंच जाएगी। ऐसी ही कुछ दशा है विदर्भ महाराष्ट्र में, दो राज्यों को जोड़ने की परंपरा है। भगवान कृष्ण के मनमोहक छवि को देखते हुए, भगवान कृष्ण के गुणगान को सुनते हुए, उनकी सुंदर छवि को नेत्रों में समाहित करके रुक्मिणी के भाव ऐसे हो गए हैं कि आंखों के रास्ते से दिल में उतर गए हो, नजरें मिला के मोहन जाने की धर गए हो। महाराजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी कन्हैया जी को मन ही मन प्यार कर रही है। अब यहां आप देखिए, शरीर की बात नहीं हो रही है, पहले समझा दे रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा आध्यात्मिक विषय है, जीवात्मा और परमात्मा की मिलन की बात हो रही है। इसे कुछ लोगों ने अलग तरीके से प्रस्तुत किया है कि भाव जैसे राम कृष्ण वही परमात्मा श्री हरि, और उन्होंने ही बार बार चर्चाएं तो बहुत ही तरीके से चलती रहेंगी। और ये आपके यहाँ पहली कथा थी, इसमें हमने बहुत कुछ चीजों में हस्तक्षेप किया ही नहीं है, क्योंकि दूसरे देश में जाओ तो पहले देखना समझना होता है। है भैया, क्या तिवारी बाबा जी, जनकपुर में राम जी गए तो जनकपुर की सखियों ने उनका जूता चुरा लिया, पादुका। सखियों ने उस पे लाल वस्त्र रख दिया, दिया रख दिया, और कहने लगे राम जी अब तो आप मेरे हो गए। बोले हां जी। बोले हमारी देवी आपकी हो गई। बोले हां जी। बोले तो हमारी कुल की देवी है, इनके पैर छुओ। भगवान राम भाव में भी हवल हो गए। लक्ष्मण का ध्यान नहीं था, भरत की दृष्टि पड़ी और उन्होंने देखा कि अगर भगवान ने पादुकाओं को हाथ लगाया तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी। और भरत जी ने देखते 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 ही देखते उन पादुकाओं को उठा के मस्तक पे रख लिया, और पादुकाओं ने उठाते हुए वचन दे दिया, अरे भरत आज तूने ये मर्यादा बचाई, कल तेरी मर्यादा हम बचाएंगे। वही पादुकाओं ने अयोध्या में आकर के रखकर मर्यादा बचाई। श्रीमद् भागवत कथा के लिए जितना पूर्ण समय चाहिए उसकी व्यवस्था थोड़ी रही है, और तृप्त होना अतृप्त होना, जिसकी तृप्ति होनी है वो एक वस्तु में हो जाता है, और जिसकी अतृप्ति रहती है वो मरने तक भी नहीं हो पाता। उनको तो बस रहता है
तो यहाँ पर उनकी दशा कैसी रही मालूम है रुक्मिणी की? नजर नजर तुमसे मिला, नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा, नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा, कर ही नहीं रहे आपके सहयोगी तिवारी जी, आनंद बिगड़ रहा है, रख दीजिए फुट पे बजाएंगे। नजर तुमसे मिला बैठे रीजन क्या है? किसकी पहला कार्यक्रम कर रहा हूं मैं, जब कार्यक्रम पे आ रहे हो तो अपनी लीड लेके आना चाहिए, यू नो। हाथ में सुंदर कला है, बज नहीं रहा, क्या मतलब है? तिवारी जी आप कोशिश करिएगा, खाली उसका माइक बढ़ा के दो। भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का विवाह कहीं और किया जा रहा है, जहां उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। अब जब आप दुनिया को देखते हो
और जिसे आप चाहते हो वो नहीं नजर आए तो आनंद नहीं आता है, और आपके जब कोई नहीं सुने तो भगवान को बुलाते हो। आज एक विप्र के द्वारा रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा है, द्वारिकाधीश में वो ब्राह्मण पत्र लेकर आता है, नंदलाल बांके बिहारी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण देखते हैं और बिना बताए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वहां से निकल पड़ते हैं अपने भक्त के भाई को बचाने के लिए, अपने भक्तों के हित के लिए। कन्हैया क्या नहीं कहलाए, कभी छलिया कभी समरिया, कभी रणछोर कभी नटनागर, कभी बिहारी कभी यारी, क्या नहीं कहलाए मेरे कहने। कन्हैया जी चले जाते हैं, बलराम इत्यादि को ज्ञान होता है, वो भी उनके साथ जाते हैं, शिशुपाल इत्यादि से युद्ध की व्यवस्था है। इस विषय पे विशेष चर्चा कल करेंगे, सुदामा मिलाप से आखिरी तक की कथा कल करेंगे, भक्तों को बाकी प्रादुर्भाव है। अभी रुक्मिणी विवाह की ओर चलेंगे, और देखते देखते कन्हैया ने रुक्मिणी का हरण कर लिया है और द्वारिका की ओर चले। सर्वे भाविक भक्तजनों ने जय श्री कृष्ण। आजना अपना कथाना छठा दिवसे अपनी साथे उपस्थित रहेला मेहमानों नु सर्वप्रथम अपने स्वागत करी लीए। प्राध्यापक श्री सुभाष भाई शुक्ल जीओ मेहसाणाना ज वतनी छे अने स्वाध्याय परिवार पांडुरंग शास्त्री जी नु जे वर्षोथी चाले छे।